Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna Vasudevaya. Devaki Devakinaya. Nanda Gopakaraya. Govinda Dina Gope 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 Radha Radha Kanta Tap Tap Radhe Radhe Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Bhagavad Gita 11th adhyay 15th shlok 11th adhyay और पंद्रहवां श्लोक अर्जुन वाच आज तक तो हम क्या पढ़ते आए भगवान वाच कृष्ण वाच आज का जो श्लोक है उसमें अर्जुन वाच अर्जुन ने कहा क्या कहा पहले तो जो अर्जुन ने कहा उसे समझ लेते हैं हम श्लोक पढ़ते हैं पश्यामि देवांस्तवं देहे देव देहे पहली श्लोक का आरंभ हो रहा है पश्यामि देवांस्तवं तव देव देहे 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 मतलब आपके शरीर में आप में अगर ये श्लोक हम ठीक तरह से समझ जाएं, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की बहुत सारी उलझने जो हैं वो दूर हो सकती है खैर आपकी तो हो चुकी है लेकिन आपके माध्यम से जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबों को बहुत कुछ समझा गए भगवद गीता में श्लोक पढ़ता हूं ध्यान से सुनिएगा अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण हे भगवान कृष्ण मैं आपके शरीर में देहे मैं आपके शरीर में देहे मतलब आपकी देही में जो आपका स्वरूप है उसमें आपके रूप में सारे ही देवताओं को देख रहा बस ये श्लोक समझ जाओ हे भगवान हे कृष्ण हे कृष्ण
मैं आप में सारे ही जी देवताओं को देख रहा हूं। तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूं। और न केवल देवता बल्कि सारे जीव भी मुझे आप में एकत्रित देख रहे हैं। और तो और मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। एको कृष्ण सर्वदेवा। याद रखना, लोग जो कहते हैं कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, भगवान कोई 10, 12, 15 नहीं होते। या ऐसे भी नहीं होता एक नंबर का भगवान, दो नंबर का भगवान, तीन नंबर का भगवान, चार नंबर का भगवान। भगवान तो मात्र एक ही है। हां, उसके स्वरूप अनेक हो सकते हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो अनेक नहीं हो सकता। और जब भगवान की बात आती है, अब एक बात तुम्हें ये बता दूं कि ये कहने वाला कौन है? अर्जुन है। मैं पहले समझा दूं, जब तक हम एक निष्ठ नहीं हो जाएंगे, एक निष्ठ और एक इष्ट, क्या कहा, एक निष्ठ और एक इष्ट, एक निष्ठ और एक इष्ट, अर्जुन ने ये सब कुछ देखा। जब भगवान ने अर्जुन को क्या दी, दिव्य दृष्टि थी। हमें ना ये बात समझ आती है, ना हमारे पास वो दृष्टि है। हमारे पास एक ही है। हमारे जीवन का फंडा क्या है पता है? जहां से हमारी इच्छा पूरी हुई वही भगवान है। लोग तो फिर कहते हैं गरज को अकल नहीं होती, गरज को अकल नहीं होती। इसी तरह से मनुष्य आज अपनी इच्छाओं के अधीन हो गया है, उसको भगवान नहीं दिखता है, अपनी इच्छाएं दिखती है। और जहां से भी इच्छाओं की पूर्ति हो गई वही कौन है, भगवान है। इसलिए हम देखते हैं लोग फिर उनके आगे क्या लगाते हैं, भगवान लगाते हैं, भगवान ये, भगवान वो, भगवान वो, भगवान वो, भगवान वो, भगवान वो। क्यों भाई? क्योंकि वहां से उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। आपने देखा नहीं है,
देवी देवताओं तो छोड़ दो, कोई इंसान भी किसी का काम कर दे तो इंसान को मस्का लगाने के लिए क्या करते, आप तो हमारे लिए भगवान हो, लो यहां तक आ गए हम तो। आप तो हमारे लिए भगवान हो, क्यों भाई क्यों भगवान हो? क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, और अगर इच्छा पूरी न करता तो वही तुम्हारे लिए क्या बन जाता? यहां जो भगवद गीता हमें समझाना चाहती है, एक बात बताऊं आपको, हम चाहे कहीं भी घूमने जाए अपने घर को नहीं भूलते। अभी ये जितनी बहनें बैठी हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर उनसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि आप यहां से कहां जाओगे, तो सीधा बोलेंगे घर जाएंगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कहां जाओगे? घर जाओगे। घर आना तो घर पे ही है, आना तो घर पे ही है। अब उस घर की हम चिंता करते हैं, उस घर को हम संवारते हैं, उस घर को हम सजाते हैं, उस घर का हम मेंटेनेंस देते हैं, उस घर की हम लाइट का बिल देते हैं, उस घर में बहुत सजाते हैं, संवारते हैं, उस घर का श्रृंगार करते हैं, उस घर की देखभाल करते हैं। क्यों? कि वो हमारा घर है, वहां पर हम रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछता हूं, कब तक? कब तक? आप उस घर में रहते हो लेकिन कब तक? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान को भी समझो, फिलॉसफी को भी समझो, वास्तविकता को समझो। वास्तविकता क्या है? आज हम कहते हैं यहां से हम कहां जाएंगे बहनों? घर। लेकिन उस घर से कहां जाओगे? हर बुद्धिशाली व्यक्ति, हर बुद्धिशाली व्यक्ति जहां जाना होता है उसका उसको पता होता है, जहां जाना होता है उसको उसके ठिकाने का पता होता है, जहां जाना है वो पता है। लेकिन ये पता हमारा टेम्परेरी है। दो पते होते हैं ना, जैसे एक उदाहरण दूं उदाहरण दे ही दे देता हूं। जो लोग यहां पर दूसरे प्रांतों से काम करने आए हैं, हमारे उल्हासनगर में ही दूसरे प्रांतों से काम करने आए हैं, एक तो वो पता होगा जहां पर वो उल्हासनगर में रहते हैं, और एक वो पता होगा जो उनके गांव का होगा। मानते हो? जिसको वो मुलुक बोलते हैं। है कि नहीं? तो कितने पते हो गए? दो है। एक वो जहां पर इस समय वो, जिसे कहते हैं प्रेजेंट एड्रेस, एक वो एड्रेस जिस पे वो इस समय रहता है, और एक वो जो उसका परमानेंट एड्रेस है उसके गांव का। और उस व्यक्ति को भी पता है कि मैं यहां पर कमाने आया हूं, टेम्परेरी हूं, मेरा गांव तो वहां पर है।
अगर वो गांव यूपी में होगा तो यूपी को, बिहार में होगा तो बिहार में, तमिल में होगा तो तमिलनाडु, बंगाल में होगा तो बंगाल, वो अपने गांव को बोलो ना नहीं भूलेगा। भले ही वो कहीं भी रहता हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे महाराष्ट्र से कोई हमारा मराठी पंजाब चला जाए तो रहेगा कौन? बोलो ना, मराठी ही रहेगा। उसकी पहचान वहीं से है जहां से उसका स्रोत है। आप हम देखते हैं, हम रहते कहां पर है? महाराष्ट्र में, लेकिन कहलाते क्या है? सिंधी। बोलो है कि नहीं? मतलब जहां हम रहते हैं वो हमारी पहचान हो ना, लेकिन हमारी असली पहचान वो है जहां से हम आए हैं। मानते हो? इसी तरह से हम भले इस धरती पे रहते हो लेकिन आए कहां से, और आकर फिर जी जाना कहां है? इसको ढूंढो। मैंने कहा ना, जो हमारे यहां काम करते होंगे लोग और जहां पर वो रहते होंगे वो उनका कौन सा एड्रेस होगा जी? टेम्परेरी एड्रेस होगा। और उनके घर वाले, उनके मां बाप, उनके परिवार, उनके बहन भाई, उनके सगे संबंधी सब कहां रहते होंगे? उस गांव में जहां से वो आया है। ऐसे हम कहां से आए हैं ये ढूंढो। हमको जाना कहां है ये ढूंढो। हम आए कहां से और किसके पास से, जाना कहां है और किसके पास। बहनों, माताओं, मित्रों, ये जगह जहां हम हैं, ये धरती, ये धराधाम हमारे लिए कर्म भूमि तो है, क्योंकि यहां हम सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये कर्म करके जिस तरह से कोई दुबई में कमाने जाता है, कोई मस्कत में कमाने जाता है, कोई यूएई में कमाने जाता है, कोई यूरोप कमाने जाता है, कोई लंदन अमेरिका कमाने जाता है, लेकिन कमा करके आता कहां है? अपने देश। हमें तो पता ही नहीं है कि हमें यहां से कहां जाना है। अच्छा, ये पता है, इंश्योरेंस करवाया भाई? आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाया होगा ना, कुछ ने तो करवाया होगा। अच्छा, नहीं भी करवाया होगा तो इंश्योरेंस के विषय जानकारी तो है। इंश्योरेंस क्यों करवाया? मतलब आदमी मरेगा, ये पता है। अच्छा, अगर इंश्योरेंस नहीं भी करवाया तो ये तो हमको पता है कि एक दिन हमको बोलो ना मरना है, ये तो पक्का पक्का है। क्यों मरना है? कि हमने देखा, क्या देखा? जिस मां ने हमें जन्म दिया वो भी मर गई, जिस पिता ने हमें पाला वो भी मर गया। जब हमें कोख में रखने वाली मां नहीं रही तो हम कैसे रह पाएंगे? कांधे पे उठाने वाला पिता नहीं रहा तो हम कहां से रह पाएंगे? तब फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर बोलो ना जाना कहां? अभी पूछूंगा कहां जाना, कहां घर पे जाना, लेकिन उस घर से भी कहां जाना? एक मुझे अद्भुत छोटी सी कथा जो आप
बहुत बार सुन चुके होंगे, फिर मुझे याद आई, एक हंस था। कौन था? हंस था, हंस। बहुत सुंदर पक्षी होता है हंस। वो हंस उड़ते 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 एक रमणीक जंगल में आ गया। उसे वो जंगल बहुत अच्छा लग गया, वाह कितना सुंदर जंगल है। उस जंगल के फल, उस जंगल के फूल, उस जंगल के वृक्ष, उस जंगल की घास, उस जंगल की लताएं पताएं, उस जंगल के झरने, नदियां, पानी, तालाब, उस जंगल की हरियाली, उस जंगल की सुगंध उसे भा गई। और उस जंगल में उसने निवास किया। बहनों, माताओं, मित्रों, जैसे ही जंगल में निवास किया, घूमते 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 एक दिन उस हंस की एक बत्तख के साथ दोस्ती हो गई। क्या हो गई? हंस की किससे दोस्ती हो गई? दोस्ती बत्तख से हो गई। और थोड़े महीनों में तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। वाओ। बाद में हंस ने बत्तख से शादी रचा ली, कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि समाज एक दूसरे के आड़े आ गए थे। बोलो भाई, दूसरी अदर कास्ट में हम कैसे करें, हम हंस हैं ये बत्तख है। तो दोनों कोर्ट चले गए। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं था। दोनों ने शादी की, अच्छा परिवार, सुखी जीवन, दाम्पत्य जीवन, दोनों के बच्चे हुए हैं। और ऐसे जीवन बीतने लगा, समय बीतने लगा, समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। एक दिन हंस ने देखा कि आकाश पे कुछ दूसरे हंस उड़ रहे हैं। उन हंसों को उड़ते देखा तो इस हंस को अपना देश याद आ गया। ओह, मैं कौन हूं? हंस हूं। और मेरा देश तो वो देश है जहां मोती उगते हैं। हम मोती चुगने वाले पक्षी हैं, हंस ने अपने आप से कहा। हंस को साक्षात्कार हुआ, अहम ब्रह्मस्मि। हंस को क्या हुआ? साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मस्मि। अरे मैं तो कौन हूं? हंस हूं। कहां जंगल में फंस गया? मुझे अब अपने हैं? देश जाना है। अब मुझे अपने देश जाना है। हंस ने दूसरे हंसों को देखा कि वो कहां जा रहे हैं? देश। इसलिए उन हंसों को देखते हुए खुद को भी अपना देश याद आया, अपना मुल्क याद आया, और सोचा मुझे भी तो अपने देश जाना चाहिए। इसलिए हंस ने सारे परिवार को जमा किया, सारे परिवार को जमा किया। उसमें उसकी पत्नी मिसिस हंस, बच्चे, परिवार, ससुराल वाले भी सारे आ गए, बत्तख के माँ बाप, बत्तख के बहन भाई भी आ गए हैं। दूसरे हंस के सगे संबंधी, साथी, रिश्तेदार, जिसके साथ हंस रोज नाश्ता वाश्ता करता था, वो सब आ गए। खाता खाता था, पीता तो नहीं कहूंगा, खाता था, सब आ गए। एक वृक्ष की टहनी पे हंस बैठा और कहा, भाइयों, बहनों, मेरे बच्चों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, जैसे मैं कहता रहता हूं। अच्छा, आप पूछो कभी, आप क्यों बोलते हो?
मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको पता पड़े कि मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आपको संबोधन करता हूं कि माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, आपको संबोधन करता हूं ताकि पता चले कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। हंस ने सबको एकत्रित किया, हंस ने सबको एक साथ जमा किया और कहा, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक आपको समाचार देना चाहता हूं कि मैंने एक निर्णय कर लिया है, एक फैसला कर लिया है कि अब मुझे अपने हैं देश जाना है, अपने मुल्क जाना है, अपने देश जाना है, मुझे मेरा देश याद आ रहा है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अब मुझे अपने देश जाना है। जिन्होंने भी सुना उन पे बिजली गिर गई, ओ नो, ऐसे किस? सबसे पहले तो बत्तख ने कहा, सबसे पहले बत्तख ने कहा, आपने तो जीवन भर साथ रहने की कसम खाई थी और साथ साथ जन्म, छोड़ के कहां जा रहे हो? बत्तख बहुत रोने लग गई, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम, हम तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, कहां जा रहे हो अकेले? बच्चों ने कहा, पापा हम आपके बिना रह ही नहीं सकते, हमारे खर्चे कौन पूरे करेंगे पापा? ये आईफोन, ये लैपटॉप कौन लेके देगा? ये स्कूटरें, गाड़ियां, मोटरें, पापा स्कूल ट्यूशन की फीसें कौन भरेगा? अभी 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 एक कार लिए, किस्तें भरो पापा, जा कहां रहे हो? अर्थात जिसको जितना स्वार्थ वो इतना रो रहा था। याद रखना, हम जब मरेंगे ना तो हमारे पीछे सबसे ज्यादा वो लोग रोएंगे जिसका सबसे ज्यादा हम में स्वार्थ होगा। फिर वो स्वार्थ का ग्राफ जैसे जैसे कम होगा उतना उतना कम लोग रोएंगे। सबसे ज्यादा जिसका नुकसान होगा वो सबसे ज्यादा रोएगा, इसलिए सबसे ज्यादा पत्नी रोती है क्योंकि उसका सुहाग उजड़ जाता है। जिसका हम में सबसे ज्यादा स्वार्थ होगा वो सबसे ज्यादा रोएगा, ये इस संसार का नियम है। दोस्तों ने कहा, अरे कहां जा रहे हो ऐसे बेवफाई? यारी है ईमान मेरा, यार मेरी दोस्ती जिंदगी, कहां जा रहे हो? अब वड़ा पाव भेलपूरी साथ कैसे खाएंगे, थम्सअप कैसे पियेंगे? कहां जा रहे हो? शिराधे बोला, नहीं अब मुझे अपने देश जाना। अब समझने वाली बात स्टार्ट हो रही है यहां से, जो मैं बात विनोद में कह रहा हूं अब उसकी गंभीरता को देखो। हंस ने कहा, अब मैं नहीं रुक सकता हूं क्योंकि मुझे अपने देश जाना है। तब हंस उड़ा, क्या हुआ? हंस उड़ा। बात यह समझाना चाहता हूं कि दो तरह के एड्रेस, ठिकाने, पते, रहने की जगहें होती है, एक
बोलो ने, टेम्परेरी और एक परमानेंट। और कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान को अपने टेम्परेरी एड्रेस का तो पता है लेकिन परमानेंट एड्रेस का उसे कुछ पता नहीं। अरे कितनी बड़ी, कितना खुद से मजाक है कि ये तो पता है कि यहां से उठ के घर जाएंगे लेकिन घर से उठ के कहां जाएंगे? चलो बोला शमशान, लेकिन शमशान से उठ के फिर सत्संग वो पता देती है, सत्संग वो ठिकाना देती है, सत्संग उस घर का एड्रेस देती है। एड्रेस तो देती है, सत्संग एड्रेस देती है और हरि नाम वह पहुंचाने का साधन बना देती है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। ये आपके घर जाने का साधन है बहनों माताओं मित्रों। घर का पता तो हो लेकिन जाने का साधन ना हो तो ऐसे सत्संग हरि कथा और आपके घर का पता देती है और हरि नाम वहां पहुंचा देती है। इसलिए दोनों को साथ रखो, सत्संग और कीर्तन, सत्संग और कीर्तन, सत्संग और कीर्तन, सत्संग और कीर्तन। इसीलिए मैं कुछ समय आपको कीर्तन करवाता हूं और कुछ समय सत्संग होती है। दोनों चाहिए, एड्रेस भी चाहिए और एड्रेस पे पहुंचने का साधन भी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि टेम्पररी एड्रेस तो पता है लेकिन परमानेंट एड्रेस का कुछ पता ही नहीं। यह तो पता है कि घर जाना है लेकिन घर से कहां जाना है इसका कोई ज्ञान नहीं। बात हो रही थी कृष्ण की लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते थोड़ा रास्ता तो तय करना पड़ेगा। हंस उड़ा, सारे पक्षी उड़े, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साजन मरते दम तक। बस मरते दम तक, फिर गाने गाते हैं, सुनते हैं, गाना गाते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साजन फिर मगर मरने के बाद बस यहीं तक। ये भजन उससे भी आगे जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे। हंस उड़ा, सारे पक्षी उड़े लेकिन बहनों माताओं और मित्रों जिस पक्षी के पर में जितनी शक्ति थी उतना उड़ा। सबसे पहले तो बत्तख उड़ी लेकिन उसके पर में ज्यादा शक्ति नहीं थी इसलिए थोड़ा उड़ के वो गिर गई। बत्तख के बच्चे उड़े लेकिन उनके परों में भी ज्यादा शक्ति नहीं थी वो भी उड़ के गिर गए। ऐसे जिस जिस पक्षी के पर में जितनी जितनी शक्ति थी वो उतना हंस के पीछे उड़ा और सब थक थक के गिरते गए। अंत में हंस अकेला अपने देश गया। ऐसे मेरी माताओं बहनों मित्रों ये संसार एक रमणीक जंगल है। इस जंगल में हम आए हैं या हमारे लगन हुए या हमारे विवाह हुए या हमारी संतान हुई या हमारे बच्चे परिवार बहन भाई सगे संबंधी रिश्ते नाते हुए घर प्रॉपर्टी दुकान धंधा बिजनेस हुआ नाम हुआ कमाई हुई रोमांस हुआ प्यार हुआ मोहब्बत हुई सब हुआ। और हमने सोच लिया कि बस अब यहीं रहना है
अचानक किसी महापुरुष का संग हो गया, अचानक किसी संत का संग हो गया, अचानक सतगुरु का संग हो गया, जिसने उस हंस की तरह बताया कि तुम्हारा तो कोई दूसरा देश है। बहनों, माताओं, मित्रों, जब हम लो, मुझे गाना याद आ गया, जब हम जमा हो गए, लेकिन ये गाने की जरूरत थोड़ी, अभी तो हम बूढ़े हो गए हैं। जब हम जमा होंगे न जाने, ये तो पता है, लेकिन जब हम टपक जाएंगे तब कहां होंगे, किसी ने, कोई शायर ने लिखा, कोई किसी गाने में आया, ये तो गाया, हम जब हम जवां होंगे न जाने कहां होंगे, जहां होंगे तुम्हें याद करेंगे। अच्छा, जवानी में याद करेंगे और बच्चों बुढ़ापे में फिर फरियाद करेंगे, ये याद रखना। चल उस देश में चले, चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण पिया का राज, पानी भरे दर्शन करे एक पंथ दुख आज। ऐसे हम जब शरीर छोड़ेंगे ना, तो हमारी अर्थी को बहुत सारे लोग उठाएंगे, जो हमारे दोस्त होंगे, जो हमारे साथी होंगे, सबसे पहले हमारे घर की स्त्रियां, हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बहनें थक जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक अर्थी के साथ नहीं जा पाएगी, उसकी एक सीमा होगी, वहां तक जाएगी और फिर लौट आएगी, दो चार पांच महीने तक सफेद कपड़े पहनेगी, उसके बाद घर के झंझटों में खो जाएगी, कभी रोएगी याद आई तो, और वो भी कब याद आएगी पता, जब बच्चे तंग करेंगे, तुम्हारा बाप होता ना, तभी याद आएगी जब जरूरत पड़ेगी, या बच्चों की शादी होगी और रिश्तेदार तंग करेंगे तो याद आएगी, अगर मेरा पति होता ना तो ये इनकी हिम्मत होती, तब याद आएगी, नहीं तो घर के झंझटों में भूल जाएगी। श्री राधे, पत्नी मर गई, पति शमशान तक गया, और फिर कब याद करेगा, जब जब जिसको जरूरत पड़ेगी तब हम उनको याद आएंगे, नहीं तो जीवन की आपाधापी में सब भूल जाएंगे। हमको तो एक अकेला ही जाना है, आज ये फैसला कर लो कि जहां जाना है कम से कम उसका एड्रेस तो पता हो, और उसका एड्रेस क्या है, न तद्भासी सूर्यो न शशांको न पावक यथ गत्वा न निर्वतन्ते तत् धाम परम। चलो उस देश में जहां कृष्ण है, गोलोक वृंदावन धाम, भगवान का सचखंड वैकुंठ धाम, जहां मरने के बाद हम पहुंचेंगे। तो ये संसार हमारा कौन सा एड्रेस है, टेम्पररी, और भगवान का धाम हमारा परमानेंट एड्रेस है, जहां हमें पहुंचना है। तो दो चीजें बताई, सत्संग पता देती है और सिमरन पहुंचा देती है। सत्संग पता देती है और सिमरन पहुंचा देता है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बैक टू होम, बैक टू गॉड। जिसने कीर्तन, भजन, सत्संग, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना, कृष्ण चिंतन, कृष्ण शरणागति जीव हो गया है, उसको अपने
टेम्परेरी का भी पता है और परमानेंट का भी पता है कि यहां से मुझे कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, तुम बिन जाओ कहां, कृष्ण के बिना जाना कहां है, ये उसको अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मां भवानी तो आपको शक्ति दे रही है, आप उस शक्ति का सदुपयोग कीजिए और अपने घर जाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। चैंट एंड बी हैप्पी। मैं उम्मीद करता हूं अभी तो ये श्लोक आज की भूमिका है, अभी चलेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जाओ ना मुस्कुराते हुए जाओगे, क्योंकि घर का एड्रेस पता होगा, घर का एड्रेस पता हो, नहीं तो भटक जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरा परिवार, मेरा पूरा परिवार कहीं भटके। भटकोगे तो अटकोगे और अटकोगे तो लटकोगे। मैं नहीं चाहता हूं आप भटको, मैं नहीं चाहता हूं अटको, और मैं नहीं चाहता हूं लटको। सीधे घर जाओ। आइए हम अपने नेत्रों को धन्य करें, अति कृपालु श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन करके, जिनकी कृपा से अवश्य एक दिन हम अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय गौर। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।